मैं आज ओपन सर्किट सेल्फ कंटेक्ट ब्रीथिंग अपरेटर सेट के बारे में बताता जा रहा हूँ। सेल्फ कंटेक्ट ब्रीथिंग अपरेटर सेट का उपयोग जहाँ वायुमंडल मतलब ऑक्सीजन कम हुई होती है वहाँ पर उपयोग किया जाता है, जैसे अमोनिया गैस का रिसाव, जहरीले गैसों का रिसाव, कंफाइंड स्पेस, जैसे किसी सीवर लाइन में काम करना हो वहाँ पे इस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण के मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं। पहला होता है एक गैस प्लेट, सिलेंडर और फेस मास्क, ये तीन भाग होते हैं। इस फेस मास्क का ये सामने वाला ये विजन वाइजर ग्लास होता है जिसे हम देख सकते हैं। उसके बाद ये नेक स्ट्रिप होता है जिसको गले में डालते हैं। उसके बाद ये होता है हेड स्ट्रिप जिसको सिर के ऊपर से इसको टाइट करते हैं। उसके बाद जहरीली गैसें अंदर नहीं आती है। ये होता है डायाफ्राम, बातचीत करने के लिए होता है। इसके अंदर ये डिमांड रेगुलेटर वाल्व कनेक्ट होता है। इसके अंदर टिंड वाल्व लगा होता है जो वायुमंडल को फेफड़ों के अनुसार इसको कन्वर्ट करता है, जो एक से तीन बार में कन्वर्ट करता है। इसके बाद के अंदर होता है ये नेक स्ट्रिप, मतलब नाक के ऊपर रहता है, क्योंकि जहरीली गैस को अंदर नहीं आने देता है। ये थे फेस मास्क के मुख्य भाग। इसके बाद आता है ये बैक प्लेट। बैक प्लेट इसके ये शोल्डर हार्नेस है जो कंधों के ऊपर रहता है। ये बेल्ट हार्नेस है जो कमर पे बंधा रहता है। इसके बाद ये सिलेंडर, ये सिलेंडर है जिसको 200 से 300 बार प्रेशर पे भरा जाता है। इससे दो ट्यूब निकली हुई रहती है, एक का नाम है लो प्रेशर, दूसरी का नाम है हाई प्रेशर ट्यूब। लो प्रेशर ट्यूब में डिमांड रेगुलेटर वाल्व लगा रहता है, हाई प्रेशर ट्यूब में प्रेशर गेज रहता है। इसमें जो भी सिलेंडर में प्रेशर होता है उसको दर्शाता है। इसके साथ इधर विसल असेंबली लगी रहती है जो 40 से 50 बार प्रेशर कम होने पर बजने लगती है। और ये थे इस सिलेंडर के मुख्य भाग। अब आपको मैं बताता हूँ बी एस एट को कैसे पहना जाता है। उसके बाद देखिए बी एस एट को सबसे पहले पहनने के लिए इसको ऐसे करना है, ऊपर उठाना है और मैं ऐसे पहन शोल्डर हार्नेस, ये बेल्ट हार्नेस, डिमांड रेगुलर।